शादी लेके गए। पहले सूचना मिला था कि एक्सीडेंट हुआ है करके, लेकिन बाद में बोलते कि फिसल के गिर गया वो। अशोका बिरयानी में दो युवकों की मौत हुई थी, उसके बाद क्या हो रहा है आज रात का मैं माहौल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए अशोका बिरयानी के सामने, और यहाँ पर आपको मैं क्या हो रहा है वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। इधर देखिए, इधर पुलिस के जवान लगे हुए हैं, उधर भी आपको सामने की तस्वीर मैं दिखाता हूँ। इधर पुलिस के सुरक्षा के जवान, सुरक्षा में जवान लगे हुए, इधर भी आपको दिखाई पड़ेंगे। और यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई है, अभी इस गाड़ी से शव को, दोनों युवकों के शव को लाया गया है। ये एम्बुलेंस यहाँ पर शव वाहन खड़े हुए हैं, और उधर मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। इधर देखिए, यहाँ पर जो शव है, जो दो युवकों के शव हैं उनको लाया गया इस जगह पे, और यहाँ पर रखा गया है उस शव को। इधर आपको दिखाता हूँ मैं, शव नीचे में रखा गया है, ये इधर इधर ये शव इधर रखा हुआ है। और मृतक के जो परिवार हैं, मृतक के परिवार से भी हम बातचीत करेंगे, मृतक के परिवार कहाँ पर हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और इधर दिखाता हूँ मैं, इधर ये मृतक के परिवार, मृतक ये आप लोग कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के महामंत्री हूँ। अच्छा, अभी क्या मांग कर रहे हैं, ये जो घटना हुई है उसके बाद क्या मांग की जा रही है? हमन सिर्फ इतने मांग कर रहे थे कि हमारे जो पीड़ित परिवार है वह ते मतलब ये जो अशोका भी नियारी है वह हमारा एक एक जो मृतक भाई है हमारा एक एक करोड़ देवा है, ये हमन मांग कर रहे थे। अभी अभी तक कोई मुलाकात करने आया प्रबंधन की ओर से? कोई मुलाकात की है? सुस्त पड़े हुए हैं, इसे लगा थे जैसे कि कोई भेड़ बकरी मन जैसे होते ना, जिला कोई अंतर नहीं रहे वैसे टाइप लगा थे। हमारे छत्तीसगढ़िया मन के वही हालत है वह, बाकी जो बाहरी मन आए हैं वह तेमन अपन कमाए खाए, अपन जो कमाना है वह बिजनेस के ऊपर में ही हुआ है। बाकी हमारे छत्तीसगढ़िया मन के साथ में कुछ भी हुआ तो मतलब कोई लेना देना नहीं है। अभी तक तो हमारे से कोई संपर्क नहीं करे, हम सुबह से आए हैं। सुबह से यहीं पे हैं? यहीं पे हमन। इधर देखिए, मृतिका के परिजन हैं, बहन है, बहनी है, छोटे बहन है, और रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वाले मृतिका के परिजन से मुलाकात करने आए अभी तक? नहीं नहीं, कोकरो से नहीं आए हुए अभी, एमन भी अभी 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 तक कोई मुलाकात की है आप लोगों से, कोई बात की है? नहीं, कोई नहीं आए। कोई बात नहीं की। आप लोग को पहली बार सूचना कब मिली थी ये घटना के बारे में? एग्जैक्ट टाइम पता नहीं मेरे को, लेकिन पहले सूचना मिला था कि एक्सीडेंट हुआ है करके, लेकिन बाद में बोलते कि फिसल के गिर गया बोलते, फिर बोलते कि गटर साफ करने गए थे बोलते, तब गिरा है बोलते, तब तक उसका डेड हो चुका था। और एक भाई और उसको बचाने के लिए वो बेचारा मेरा भाई अभी तक यहाँ से कभी दुआने वाले कोई नहीं आए मेरे भाई को देखने के लिए, कि समझता वहाँ था हॉस्पिटल में ऐसे ही छोड़ दिए थे। आधा घंटा तो इधर उधर किए बोलते हैं, उसके बाद ही लेके गए, तब तक दोनों का डेट हो चुका था। लापरवाही देखिए प्रबंधन की। और जब ये सारी घटनाक्रम हो गई, दो युवकों की मौत हो गई, उसके बावजूद प्रबंधन किसी से मुलाकात नहीं कर रहा है। और ये हाल है, ये रायपुर का है, रायपुर की अशोका बिरयानी। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, इधर देखिएगा तो इधर शव रखा हुआ है युवक का, और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है अशोका बिरयानी के सामने। ये जो माहौल, वो माहौल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के लोग भी हैं, सबको न्याय की उम्मीद है, न्याय की मांग कर रहे हैं, परिवार के लिए इंसाफ चाहिए, और इंसाफ चाहिए इसीलिए ये लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? मेरा नाम मनीष साहू है, मैं साहू समाज से युवा प्रकोष्ठ का महासचिव हूँ। और सुबह 10 बजे से हम लोग आए हुए हैं, कल रात को जैसे ही जानकारी मिली हम तेलीबांधा थाने गए थे, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी सपोर्ट, कोई भी ऐसा कार्रवाई हमको नहीं दिख रहा है, इसलिए हम मजबूर हो गए यहाँ धरने पे बैठने के लिए। परिवार से कोई मुलाकात करने का प्रयास किया आप लोगों से? इतने टाइम से बैठे हो, कोई मुलाकात करने आया है प्रबंधन की? हम लगातार बोलते रह गए कि जो पुलिस वालों को, कि जो यहाँ का संचालक है आप उनको बुलाइए, उनसे हम बात करेंगे। वो किसी स्टाफ को बोले, वो भी जो गैर जिम्मेदार है, जिसमें कोई कमिटमेंट लेने की क्षमता नहीं है, कोई वो कैपेबिलिटी नहीं है, कुछ कमिटमेंट नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने भेजा, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हम चाहते हैं कि संचालक एक बार बात करे हमसे और परिवार को जो है उनको मुआवजा दे, क्योंकि गरीब परिवार थे, एक भाई था अकेला 6 बहनों का, और 19 साल का मात्र लड़का था, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। तो हम चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो, एक तो जांच, उनका जो मृत्यु जो हुआ है वो भी बहुत संदिग्ध है,
क्योंकि जो बताया जा रहा है देखने से लग रहा है कि मामला जो है बहुत संदिग्ध है। इधर मैं दिखाता हूँ, इधर दूसरा शव है। प्रदीप आप इधर आ जाइए, ये दूसरा शव को ले जाया जा रहा है और एक कूलिंग सिस्टम यहाँ पर इसमें रखा जाएगा शव को और यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। शव को रख कर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग क्या चाहते हैं आप लोग? हम मतलब प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पे, लगभग 30 घंटे बीत चुके हैं और हमारे एक मांग है, देखो जाने वाला जल्दी से तो घटना निरी सब है, ये दुर्घटना निरी सब है, ये तो सरासर सीधा सीधा समझ लो मारे के हत्या के प्रयास करेगी है। चूँकि वो सुपरवाइजर ही साहब है लेकिन ओला गटर के काम दे रही साहब है, जैसे नीचे उतरी से बताए के हिसाब से कर मन के और हमारे न्याय के लिए रूप में बैठे हैं, अपन पूरा परिवार हमारे मन के साथ में बैठे हुए हैं, उचित मुआवजा परिवार ला मिल जाए तो हमारा है प्रदर्शन ला खत्म कर। घटना 2 दिन हो गए हैं लगभग, कल सुबह मौत हुई थी युवकों की, अभी तक प्रबंधन परिवार से मुलाकात करने का प्रयास किया, बात करने का प्रयास किया या आप लोगों से बातचीत करने की प्रयास? लगातार हमने प्रयास करके कोशिश करा था अपन, पुलिस प्रशासन भी आए हुए हैं, ओला भी बोला था अपन भाई कोई जो जवाब जो जवाबदार इंसान है वाला बुला के कम से कम बात कर लो, कंपनी प्रबंधक ला बुला लो, लेकिन अभी तक हमारे मन से कोई भी आके ना कोई प्रकार के बातचीत करे है और प्रशासन से बात करे में समझ आता है कि कई जन के कोई करो नंबर बंद है, कोई आउट ऑफ स्टेशन इसे करके हम वाला गुमराह करे की कोशिश करा था, लेकिन हम निरंतर संघर्ष करते रहे, वो हम यहाँ पर डटे हुए हैं अपन, पूरा 24 घंटा हो गया और जब तक के न्याय नहीं मिले तब तक हम यहाँ से नहीं हटा। सर न्याय क्या न्याय चाहिए आप लोग, क्या आप लोग क्या चाहते हैं? अभी जो परिवार चाहते उचित मुआवजा मिल जाए ताकि परिवार के जो परिचालन है अच्छे से हो सके, वोकर छः धन बहनी है तो छोटे लड़का है एक परिवार के, एक एक लौता कमाने लगी से अपन घर के, तो यही चाहते हैं कि उचित मुआवजा मिल जाए ताकि उनका परिवार आगे चल सके। बिरयानी के खिलाफ इधर नारे लग रहे हैं, इधर नारे लगाए जा रहे हैं और न्याय की मांग की जा रही है। इन देखिए इधर इन लोगों से मैं बातचीत करता हूँ, देना होगा क्या? कितना टाइम हो गया आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? देखिए जब से घटना घटी है तब से हमारे बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे तो अभी जानकारी हुई मैं भी पहुँचा हूँ, लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उससे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अशोका बिरयानी के जो मालिक हैं वो ना यहाँ बात करने आ रहे हैं ना ही किसी प्रकार से उनके परिवारजनों से मिला जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग सब लोग यहाँ पर आक्रोशित होकर इस बॉडी को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर FIR दर्ज किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए और जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा दिया जाए, इस मांग को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक घटना कल सुबह की है, कल सुबह मौत हुआ था, उसके बाद प्रबंधन अभी तक किसी से भी मिला है, परिवार से किसी से बातचीत हुई कुछ हुआ? दुर्भाग्य यही तो कह रहा हूँ कि इसके बाद भी मुझे लगता है कि 24 घंटा से लगभग ऊपर हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे कोई मिलने नहीं आ रहे हैं, अशोका बिरयाने वाले का मोबाइल नंबर बंद है, उसके ऊपर FIR भी दर्ज नहीं हो पाया है। FIR क्यों दर्ज नहीं हो रही अभी क्या? ये तो अब पुलिस प्रशासन वाले यहाँ पे खड़े हैं वो बताएंगे कि क्यों FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, एक बालक मर जाता है, उसकी 6-6 बहनें हैं, वो इकलौता भाई था, वो उसका भाई चले जाता है, उसके बाद एक जो पटेल भाई है उसके उसकी एक छोटा सा बेटा है 8 महीने का, 1.5 साल का बेटा है, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, उसके बाद भी कोई बिरयानी सेंटर का ना मालिक ना प्रबंधक ना कोई यहाँ पे आता नहीं, सूद लेने भी नहीं आते। आप देख सकते हैं उनके परिवारजन माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, बिलक बिलक कर रो रही हैं कि हमको न्याय दिया जाए, लेकिन यहाँ पे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। क्या लगता है इन परिवार पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा? न्याय तो देना ही पड़ेगा भाई, न्याय मिल पाएगा ऐसा वाली बात ही नहीं, न्याय तो देना पड़ेगा। कल से न्याय देना ही पड़ेगा उनको, कहीं से भी वही कहीं जहां पर भी रहे वो रहेंगे ना, उसको यहां पर आके न्याय देना ही रहेगा उनको उनके घर वाले को मुआवजा देना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। इतने घंटे हो गए उसके बावजूद भी कोई सुध नहीं है परिवार की, ये तो बड़ा मामला है, बड़ा सवाल पैदा करता है। इसमें रोल आप लोग भी निभा रहे हैं, जैसे आप लोग के ऊपर भी हमला हुआ है ऐसा सुनाई में आया था उसी समय इस घटना के बाद मीडिया के पास, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, शासन क्या कर रहे हैं, समझ से परे है भाई। इतने वायरल हुए हैं, इतने संगठन ने काम किए हैं, पूरे समाज ने काम किए हैं और आए हैं इनके दुख में सब खड़े हुए हैं। सबसे दुख ये लग रहा है कि ये होटल प्रबंधन आ नहीं पा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं प्रशासन, क्या कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं ला पा रहे हैं, ऐसा बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 24 घंटे में इतने टाइम तक वो हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, बात करने के लिए तैयार नहीं है और कौन है क्या है इसमें बहुत बड़ा संदिग्ध है, अज्ञात रखा जा रहा है, तो इस पर ज़रूर कार्रवाई हो। क्या उग्रता को देखने चाह रहे हैं, समाज के पटेल समाज के साहू समाज के सब उग्र हो जाए ऐसा देखना चाह रहे हैं, या और अन्य संगठन उग्र हो जाए ऐसा चाह रहे हैं क्या? ये बड़ा सवाल पैदा होता है क्योंकि प्रबंधन अभी तक मुलाकात नहीं की है,
क्या न्याय चाहिए, कैसे न्याय मिलेगा इस पीड़ित परिवार को? वही सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है अभी तक जो यहाँ के जो प्रबंधक है ओकर में से बात नहीं करा थे, तो सह कौन ला देवा थे? जो गैर इरादतन हत्या करे ते मल्ला सह देवा थे? जनता पर पुलिस है कि पुलिस व्यापारी वर्ग पर है? ये बहुत बड़े प्रश्न है। आज अभी तक कम से कम 35 घंटा हो गए और वो 35 घंटा में एक बार भी वो मतलब प्रबंधन से बात नहीं करे। यही अगर छत्तीसगढ़िया होटल वाला रीतीस तो वो मतलब ठोकत लातीस यहाँ बैठातीस, वो नहीं मिलतीस, मालिक नहीं मिलतीस तो ओकर दाई देता, ओकर भाई बनला, ओकर घर परिवार के मतलब धर के लातीस। और यही अभी तक छत्तीसगढ़ में हुआ थे, छत्तीसगढ़िया मन अगर कुछ कहीं करते तो ओकर पूरा परिवार ला उठा के थाना में बैठाते, और ये मन काकर पर बैठे है, काकर रखवारी करा थे, दो दो ठोक लाश पड़े हुए है। अभी तक वो मन उचित मुआवजा पर पूरा बैठे हुए ना हमन हाँ। इधर मैं एक बार और दिखाता हूँ, इधर ये तस्वीरें देखिए आप, इधर दोनों शव रखे हुए हैं, दोनों शव यहाँ पर रखाया गया है और दोनों शव यहाँ पर हैं और दोनों शव के सामने जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के लोग हैं और जो अन्य लोग हैं वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अशोका बिरयानी, इधर ये तस्वीर अंधेला आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ कल सारा घटनाक्रम हुआ था। कल सुबह दो युवकों की मौत हुई थी, दो युवकों की मौत के बाद ना तो परिवार से प्रबंधन जो अशोका बिरयानी प्रबंधन है उसने बात करने का प्रयास किया, ना किसी से। और जो पत्रकार सवाल पूछने पहुँचे, जो मौत पर सवाल पूछने पहुँचे, उस पत्रकार के साथ मारपीट की गई, पत्रकार के साथ हाथापाई की गई। अभी तक अशोका बिरयानी प्रबंधन के खिलाफ किस प्रकार से पुलिस कार्रवाई कर रही है, अशोका बिरयानी प्रबंधन के मालिक ना ही अभी गिरफ्तार किए गए हैं ना कुछ, अब देखना होगा किस टाइम अशोका बिरयानी प्रबंधन के जो मालिक हैं, अशोका बिरयानी के जो मालिक हैं उनको पुलिस गिरफ्तार करती है, वो आने वाले वक्त में देखने योग्य बात होगी।